We had derived the formula for acceleration due to gravity, small g. Who will tell me the formula? Small g. Gravitational. ऐसी बोल दो gm over r square. Small g is equal to gm upon r square. ठीक है, small g is equal to capital gm upon r square. Yes. So small g is gm over r square. Where what is capital M? किसका मास? अर्थ का मास है. बट वेन वी डिराइव द फॉर्मूला देन वी हैड टेकन अ स्टोन ऑफ मास स्मॉल m दैट वाज एक्चुअली फॉलिंग दैट वाज ऑन द सरफेस. वी वर टॉकिंग अबाउट दैट स्टोन. हम बात तो स्टोन की कर रहे थे, ठीक है, बट फॉर्मूला में तो स्मॉल m है ही नहीं है. सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट. It depends upon that planet from where we are dropping the object. It depends upon mass and radius of that planet where we are. Okay, from where we are dropping the object, small g depends upon the mass and radius of that planet. Yes. Okay, not on mass of falling object. Right? Give me a piece of paper, rough paper. Or अगर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ आई थ्रो अ चॉक और अ बॉल और कैट डॉग एलिफेंट एग्जांपल दिए थे ना आपको, ऑल विल फॉल द ग्राउंड एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम, व्हाट डू यू से? सेम सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो फॉल करेंगे. एक और दो रफ पेपर आपकी कॉपी का, सारे उसी के थे ना. अच्छा आप देखो कि मेरे पास एक पेपर है, प्लेन पेपर है, एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव अ बॉल, क्रम्पल्ड बॉल ऑफ द सेम पेपर. मास दोनों का सेम है, ठीक है. तो अब कौन पहले गिरेगा? मैं इसको गिरा रही हूं, कौन पहले गिरेगा? बॉल पहले गिर गई, ठीक है, और जो पेपर है उसी पेपर की मैंने बॉल बनाई थी, पेपर बाद में गिरा. तो व्हाट इज द रीजन? अब तो मास भी सेम है, मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं. सो दैट इज फ्रिक्शन ऑफ एयर दैट फर्दर डिपेंड्स ऑन एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो क्योंकि इस पेपर का सरफेस एरिया ग्रेटर है, इट इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ एयर. सो दैट्स व्हाई इट फॉल्स लेट. और इसका क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो इसका एयर रेजिस्टेंस भी इसके ऊपर कम एक्ट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट रीचेस द बॉटम अर्लियर. यस, हाँ, कॉइन और फेदर एक्सपेरिमेंट, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ. सो गैलीलियो गैलीली ही आल्सो डिड द सेम थिंग, ही डिड कॉइन एंड फेदर एक्सपेरिमेंट, एंड वही तो कह रहे हैं कि वो मास पे डिपेंड नहीं करता. एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती, रीजन है एयर प्रेजेंट है यहाँ पे. अगर हम इन दोनों को वैक्यूम में गिराते, दोनों सेम टाइम पे पहुंचते, तो इसका मतलब एयर इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड एट डिफरेंट टाइम्स, राइट. सो आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो वेयर दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैज बीन डन. वैक्यूम हैज बीन जनरेटेड इन अ चैम्बर एंड दे आर अलाउइंग अ फेदर एंड अ बॉल टू फॉल. एक फेदर है और एक बॉल लिए, वैक्यूम जनरेट करके जब उन्होंने उसको थ्रो किया तो देखते हैं कौन पहले पहुंचता, राइट. कैलकुलेट करते हैं जी ऑन अर्थ, कैलकुलेट करते हैं जी वैल्यू. तो नहीं पुट की थी अभी हमने. So let us solve now the value of earth on moon, on earth. Values put kar di thi maine. On earth hai 9.8 meter per second square. On moon now.
जी बाय सिक्स दैट इज 9.8 डिवाइडेड बाय सिक्स. सो जी ऑन मून इज 9.8 डिवाइडेड बाय सिक्स दैट इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. आर स्क्वायर है. हाँ वो तो फॉर्मूला उस दिन डिराइव किया था ना हमने. ये अर्थ का है ये मून का है. 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मीनिंग ये है कि इफ वी गो वन स्टेप हायर ऑन अर्थ वी विल गो सिक्स टाइम हायर ऑन मून. अगर यहाँ हम एक स्टेप रखते हैं मून पे सिक्स टाइम्स हाई जाएंगे उसी स्टेप के लिए. ठीक है क्योंकि वहां पे जी 1.6 है कम है. नेक्स्ट है राइट डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट. कितने लिखे थे लिख लिए थे तो फिर टेस्ट में क्यों नहीं लिखते आप. और स्मॉल जी कैपिटल जी में लिख लिए. चलो वो लिखो फिर. फर्स्ट है डेफिनेशन का. फर्स्ट डिफरेंस है डेफिनेशन का. तो इसका मतलब बोलोगे सुनाओ. चलो यस ये सुना रहा है डेफिनेशन सुनो. अभी कह रहे मैंने कर ली. क्या कर ली. वेरी गुड सिट डाउन. ही इज सेइंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. मैंने वो पूछा ही नहीं. मैंने तो डेफिनेशन पूछी है. बैठ जाओ. यस यू स्टैंड अप. हो तो स्टैंड अप. आप ये सुन रहे हो मैं क्या करवा दूं. चलो डेफिनेशन सुनाओ. फैन ऑन करो. ये डेफिनेशन है. मीनिंग भी पूरा नहीं है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. नीड नॉट एक्सप्लेन दैट. इसकी सुनाओ. कॉपी बंद करके सुनाओ. बैठ जाओ. यू स्टैंड अप. स्टैंड अप. चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो डिफरेंस का. स्मॉल जी ये नहीं लिखना. फुल फॉर्म नहीं लिखनी है. यू हैव टू राइट प्रॉपर डेफिनेशन. हाँ जी पहले जब हम लिखते हैं ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द फोर्स वहीं पे क्रॉस हो जाता है. एक्सेलरेशन इज नॉट द फोर्स. आप एक्सेलरेशन बोल रहे हो खुद और उसको फोर्स बोल रहे हो वो गलत हो जाता है. वेट इज फोर्स नॉट एक्सेलरेशन. तो लिखिए स्मॉल जी की डेफिनेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन विद विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली. ये वैसे मैं लिखवा चुकी हूँ वहीं से करनी है. इट इज द एक्सेलरेशन विद विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली. इसकी डेफिनेशन लिखवाई हुई है ऑलरेडी. आप वो भी लिख सकते हो. इट इज एक्सेलरेशन विद विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली. और इधर लिखिए कैपिटल जी के ऊपर डिफाइन कर चुके हैं हम वही लिखना है. इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg
इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg सेपरेटेड बाय 1 meter. Of mass 1 kg separated by 1 meter. ये लिखी हुई है आपने पहले डेफिनेशन, वहीं से नोट करनी है. सेकेंड डिफरेंस इज ऑफ यूनिट. यूनिट लिखिए इनका यूनिट. थर्ड डिफरेंस लिखिए वैल्यू विद यूनिट. वैल्यू ऑन अर्थ इज दिस. ये जो भी लिखना था ना टेस्ट में लिखना था, अभी नहीं. हाँ वो मैंने देखा था क्या लिखा पहले कितने थे कल के टेस्ट में, तो ये दिया ही नहीं आपको मैंने. ओके सो वैल्यू पहले डेफिनेशन. दिस इज यूनिट, दिस इज वैल्यू. एंड ऑलवेज सी द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट्स. ये नहीं है कि आप यूनिट लिख दो, वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको बताए. हाँ ये अर्थ के लिए. और डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर 3 marks का क्वेश्चन है, 3 points आप लिख रहे हो, एटलीस्ट those 3 points should be the most important points. तब फिर आपको क्रेडिट मिल सकता है. ये नहीं कि आपने छोटे छोटे पॉइंट लिख दिया और आप कहो कि हमें 3 में से 3 भी मिल जाए, ऐसे नहीं होगा. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज जी इज ऑलवेज जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. It is always constant. Small g changes from place to place. Capital G is a constant. Stand up. Varies मतलब changes. Next है इसके बाद. Small g can be zero. For example, at center of earth वो दे सकते हैं if you want. कैपिटल जी कैन नेवर बी जीरो. हमने अभी कहा कि ये कांस्टेंट है, तो जीरो कैसे हो सकता है? कैन नेवर बी जीरो. स्केलर वेक्टर का पॉइंट नहीं देना यहाँ पे. स्केलर वेक्टर लिखते जा रहे हैं. कैपिटल जी जो है स्केलर वेक्टर नहीं लिखना आपने इसको. और कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस? Any other points? डी में मैंने 6 points लिखवाए हैं. चलो मैं बाद में एक और ऐड करा दूंगी आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. हु कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी. ये जो वैल्यू है किसने दी थी? सर हेनरी कैवेंडिश. हु कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी फॉर द फर्स्ट टाइम? सर हेनरी कैवेंडिश. कर दो. सर हेनरी कैवेंडिश कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. क्या? हाँ वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप नेट से देख सकते. कैवेंडिश DISH डिश. कैवेंडिश कैपिटल जी. Who discovered या who calculated the value of capital G? मुझसे पूछो. Stand up. बहुत लेट पता लगता है, मैं तो बहुत देर से बोल रही हूं. Next, write down. Write the factors with which small g changes. हमने कहा कि small g change होती है. कैसे change होती है? कहाँ कहाँ change होती है? Write the factors with which small g changes. Acceleration due to gravity changes. कौन से factors हैं?
राइट द फैक्टर्स विद विच जी चेंजेस, या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग जी. फर्स्ट है ऑल्टीट्यूड और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. हम जहां पे खड़े हैं अर्थ के सरफेस पे, हेयर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इफ वी गो अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ डज जी चेंज, दैट फैक्टर इज ऑल्टीट्यूड. फर्स्ट फैक्टर वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड. सेकंड फैक्टर इज इफ वी स्टार्ट गोइंग डाउन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. हम इसको यहाँ पे एक टनल डिग करें और अर्थ के अंदर जाना शुरू कर दें तो डेप्थ चेंज हो जाएगी. सो दैट फैक्टर विल बी डेप्थ. थर्ड इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अर्थ की रोटेशन का भी इफेक्ट पड़ता है. एंड देन शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ इज ऑल्सो अ फैक्टर. हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? अब नेटवर्क इश्यू की कोई वो नहीं है. यस, स्टैंड अप. ये कौन बोला इतने लाउड? फर्स्ट फैक्टर नाउ डेरिवेशन है. वेरिएशन इन जी विद हाइट, फर्स्ट फैक्टर. How does acceleration due to gravity vary with height from the surface of earth? तब देखते हैं कैसे वेरी करती. Let us again draw earth and we take any point A on the surface of earth. Mass of earth क्या है? Capital M. Center of earth is O. Radius of earth is R. Earth. अर्थ बनाइए. ये इसका सेंटर है, इसका मास है, इसका रेडियस. ए इज एनी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ वेयर व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जी. और उसका फॉर्मूला क्या है? एट ए नहीं फॉर्मूला वैल्यू नहीं फॉर्मूला ठीक है. अर्थ के सरफेस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे जी कितनी होगी? जी एम बाय आर स्क्वायर. It will be gm upon r square. This is equation number 1. Stand up. Point. Now we are taking a point P. अब हम यहां पे है ना, हम कहां पे हैं? A point पे. We start going up from the surface of earth. Suppose we are on the plane, हम hills पे जाना start कर देते हैं. अर्थ के ऊपर नहीं, अभी यहां जैसे planes पे हैं तो hills की तरफ जाना start कर देते हैं height पे. अब ये surface है ना अर्थ का, ये मैं बता दूं. तो किसी height पे B point ले लिया at a height h. We want to know कि इस height पे G कितनी है. So suppose their G is G dash. इधर तो वो जो न्यू G dash है वो हमने कैलकुलेट करनी ठीक है. एक पॉइंट सरफेस पे ले लिया, हमें पता है वहां पे G इतनी है. एक पॉइंट हमने एक हाइट पे ले लिया, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट G देयर. राइट? यस. यू स्टैंड अप. आप B पॉइंट लेते हैं. व्हाट इज G हियर? B पॉइंट पे G डैश. कैपिटल G भी सेम रहेगा हाइट के साथ, मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं होने वाला, बट डिस्टेंस विल चेंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. यहाँ A पॉइंट का डिस्टेंस R था, बट B पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? R प्लस H है. ऑलवेज वी टेक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. उस पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से लेते हैं.
सरफेस पे था आर, अब कितना हो गया आर प्लस एच, सेम प्लेस ऑफ आर स्क्वेयर वी विल हैव आर प्लस एच स्क्वेयर, आर प्लस एच का स्क्वेयर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई। हैव अ लुक एट दीज टू इक्वेशंस फर्स्ट। ओके फाइन, डिवाइडिंग नाउ, डिवाइडिंग 2 by 1, ऐसे होगा जीएम विल गेट कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ ये आ जाएगा सर, जी डैश अपॉन जी एस आर स्क्वेर ओवर आर प्लस एच स्क्वेर। मेमोराइज दिस फॉर्मूला, वील बी डायरेक्टली यूजिंग इन न्यूमेरिकल्स। ये देखो ना, जी डैश क्या है, जीएम ओवर आर प्लस एच, नीचे चला गया ना, इन टू जी एम बाय आर स्क्वेर, आर स्क्वेर ऊपर होगा, आप अपने हिसाब से करके देख लो, यही आए। So it will be r square over r plus h square. Formula आ गया। हाँ जी, अब देखो r square greater है कि r plus h square? है ना? So r square is less than this. So g dash is less than this. That means, तो इससे हमें पता चल गया कि g कम हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, बताइए। कम हो रही है, इसका मतलब acceleration due to gravity decreases with height. अगर हम प्लेन से हिल्स पे चले जाएंगे जी कम होगी, यस। बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक स्टेप और लिख देती हूँ, जिससे डिवाइड करते हो उसको इन्वर्ट करते हो ना, तो क्या आया, ये आ गया ना। अब लिखो बिकॉज आर स्क्वेर इज लेस देन आर प्लस एच स्क्वेर, देयरफॉर जी डैश इज लेस देन जी। यहीं पे छोड़ नहीं देना, यू हैव टू कमेंट अपॉन द रिजल्ट ऑल्सो। रिजल्ट पे कमेंट करोगे, जी डैश लेस देन जी मीन्स कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद हाइट, दैट मीन्स इट वॉज मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। As we go up from the surface of earth, g decreases. Yaad rahega result and derivation also. So do the practice of derivation at home. Fine? क्योंकि r square less than r plus h square है तो ये इससे कम हो। अब new g is less than previous g, इसका मतलब g कम हो रहा है। तो लिखो लास्ट में लाइन लिखिए, so acceleration due to gravity decreases with height, so acceleration due to gravity decreases with height, acceleration due to gravity decreases with height, ऐसी एक derivation है variation in g with depth, ठीक है। how much time we have, shall we start? कल हम लैब जाएंगे हमारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सो ब्रिंग योर प्रैक्टिकल फाइल टुमारो, ब्रिंग योर प्रैक्टिकल फाइल एंड वन रफ कॉपी, वी विल यू विल टेक टू द लैब।